नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइफाइड के। देखिए, टाइफाइड को लाइटली मत लीजिए, बहुत ही सीरियस डिजीज़ है। अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे तो ये जान ले के ही मानती हैं। मेरे ऐसे दो तीन दोस्त हैं जो टाइफाइड की वजह से ही 30 से पहले ही मतलब चले गए। तो प्लीज़ आप लोग भी ध्यान दीजिए, अगर किसी को भी टाइफाइड डायग्नोज होता है तो अच्छे से ध्यान दीजिए खुद पे, अदरवाइज़ आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा और उसके बाद कुछ भी हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग है अगर टाइफाइड ज़्यादा बढ़ जाए तो। प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। तो चलिए आज इसी बात करते हैं, हम टाइफाइड से हम कैसे बच सकते हैं अगर हो गया तो, या फिर हम होने से उसे कैसे रोक सकते हैं। देखिए, टाइफाइड जो है मोस्टली वाटर बोर्न डिजीज़ है, मतलब कि गंदे पानी से टाइफाइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो हम पानी पीते हैं साफ़ सुथरा होना चाहिए। दूसरा, अनहाइजेनिक हम खाते हैं वहाँ से भी टाइफाइड इन्फेक्शन हमें हो सकता है। या जैसे आपको वायरल हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिया, आपको बार बार बुखार आ रहा है, एक हफ्ते से बुखार वो टूट नहीं रहा है, तो वो बुखार जो है टाइफाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका एक हफ्ते में ठीक नहीं होता बुखार, तो टाइफाइड 100% वो टाइफाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी भी आपको वायरल वगैरह कुछ होता है तो तुरंत अपना इलाज करवाइए, और आपका वायरल जो है 5 से 7 दिन में ठीक हो जाना चाहिए। अगर 5 से 7 दिन में ठीक नहीं होता तो आप टाइफाइड का विडाल टेस्ट आता है, विडाल टेस्ट करवाइए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कहीं वो टाइफाइड में कन्वर्ट तो नहीं हो गया। अगर आपको टाइफाइड हो जाता है, आप ठीक हो जाते हैं उसके बाद, तो ठीक होने के 3 महीने बाद आप प्लीज़ टाइफाइड का वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए, क्योंकि आजकल टाइफाइड बहुत ही ज़्यादा फैल गया है, साइलेंटली फैल रहा है ये। हर घर में, हर जगह में टाइफाइड आपको मिलेगा, क्योंकि मोस्टली हम बाहर एक टाइम तो कहीं ना कहीं हम बाहर का खाना खाते हैं या फिर पानी पीते हैं, तो वहाँ से टाइफाइड आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। टाइफाइड से बचने के लिए तो ये है कि आप कभी कहीं भी बाहर जाते हैं तो पानी की बोतल हमेशा अपने पास रखें, या आप कहीं खाना खाते हैं तो वो जो वहाँ का लोकल जो पानी होता है वो मत पिए। आप मिनरल वाटर ले लीजिए, कोई बात नहीं, 20-25 रुपये आप खर्च कर लीजिए उस मिनरल वाटर पर और पिए आप, क्योंकि आप टाइफाइड से इससे बच जाएंगे। तो कहीं भी आप कुछ खाते पीते हैं तो या तो अपना पानी अपने साथ रखें या फिर मिनरल वाटर वाटर की बोतल यूज़ करें। कहीं भी खाना खुना खाते हैं तो जो प्लेट्स है, बर्तन है, वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, अच्छे से धुले होने चाहिए, ये ध्यान रखिए हमेशा। कोशिश करिए जल्दी से जल्दी ठीक, अगर टाइफाइड आपको डायग्नोज हो गया है तो प्लीज़ कोई भी आलतू फालतू के नुस्खे मत अपनाइए, क्योंकि नुस्खे अपनाओगे आपकी अंतड़ियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, पेट में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आएगा और उससे आपका टाइफाइड का जो बुखार है बिगड़ जाएगा। तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के पास जाइए और टाइफाइड की जो दवाइयाँ हैं उसका कोर्स होता है उनका कोर्स करिए। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन और महीने का कोर्स होता है, वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे आपके, वो देख के पहले 7 दिन का देंगे, फिर टेस्ट होगा, नहीं हुआ होगा तो फिर आपको दवाई देंगे, ऐसे ही टाइफाइड को जड़ से ख़त्म करेंगे। उसके बाद क्या है कि 3 महीने बाद आप वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए टाइफाइड की। फिर आपको जो है टाइफाइड के जो अगर हो भी जाता है तब भी आपको इतना दिक्कत नहीं करेगा, और जैसे ही वैक्सीन की जो टाइम है ख़त्म होता है फिर आप वैक्सीन लगवा लीजिए, 1 या 2 साल बाद आप वैक्सीन टाइफाइड की लगवाते रहिए। ज़्यादा महंगा नहीं आता टाइफाइड का वैक्सीन, 200-300 की वैक्सीन है, आप कहीं से भी लगवा लीजिए, कहीं भी किसी भी डॉक्टर को बोल लीजिए मुझे टाइफाइड की वैक्सीन लगवानी है, वो आपको लगा देगा। तो ये देखिए छोटी मोटी बातें और कुछ प्रिवेंशन है जिससे आप टाइफाइड से बच सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस पर टाइफाइड पर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है ये, और ये जान लेके ही मानती है। तो प्लीज़ टाइफाइड पे अगर हो जाता है, कुछ भी बुखार उखार होता है, तो आप ध्यान दीजिए और उसे टाइफाइड में कन्वर्ट मत होने दीजिए। और अगर आपको टाइफाइड हो भी जाता है तो कोशिश करिए लाइट खाने, क्योंकि देखिए अंतड़ियों का बुखार है ये, जितना आप हल्का खाएंगे अंतड़ियों को उतना ही आराम मिलेगा और वो जल्दी से जल्दी रिकवर करेंगे। तो बिल्कुल हल्का खाना खाना है आपने टाइफाइड हो जाता है, कोई भी भारी चीज़ नहीं खानी, कोई भी गर्म चीज़ नहीं खानी है, बिल्कुल हल्का खाना है, लिक्विड खाना है, खिचड़ी वगैरह खानी है, जो जल्दी हजम हो जाए, जो पेट के लिए अच्छा है। तो बस इतना ही आज के लिए, अगली बार फिर हम किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मिलते हैं, तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।